तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। आपके लिए इस वीडियो में मैं टेस्ट लेकर आया हूं। एक टेस्ट के साथ साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है। दोस्तों, हर एग्जाम के लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पर दोपहर में 1 बजे से मेरी लाइव क्लास है। आप लाइव क्लास में आकर मुझसे फ्री पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 1 बजे वाली क्लास की लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके शेड्यूल उसका ऑन कर लीजिएगा, मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ साथ मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको अनअकैडमी से भी मिलने लगे और आपकी कोई क्लासेस ना छूटे। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। एकदम आसान एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर यह एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड करिएगा, OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्जाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप ध्यान से अनअकैडमी पर मुझसे फ्री पढ़ने के लिए माई गोल्स मैनेज एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ SSC एग्जाम ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूँ। आप SSC एग्जाम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एनरोल कोड मांगा जाएगा और कोड आपको डालना है AEGG, 4 अक्षर का ये कोड। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरी क्लास में आ सकते हैं और आपको क्लासेस भी दिखने लगेंगी मेरी अपकमिंग, और जो पुरानी क्लासेस हैं रिकॉर्डेड आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए अभी हम टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, हसन निजामी और फक्ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हसन निजामी और फक्ए मुदब्बिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर क्या है? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर 1175 में पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहलाता है? राइट आंसर क्या है? तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल शाहजहां का काल कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की कांसे की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नटराज की कांसे से संबंधित मूर्ति जो है चोल वंश से संबंधित मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? राइट आंसर क्या है? तो अमोघ वर्ष जो है ये संबंधित था, राइट आंसर है, राष्ट्रकूट वंश से, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ जो प्रथम है ये समकालीन थी ऑप्शन नंबर अकबर के, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न, अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी जो हैं, राइट आंसर है, अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है, किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या है बतलाइए? किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अल बरूनी ने किताब अल हिंद की रचना की थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावत त्योहार पर मनाने पर रोक लगा दी थी? तो दावत और त्योहार वगैरह मनाने के लिए उसकी इजाजत के बगैर रोक लगा दी थी, कौन था ये? तो अलाउद्दीन खिलजी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है बताइए? अलाई दरवाजा जो है वो किसका प्रवेश द्वार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्ण देव राय जी को बताया है, राइट आंसर हो जाएगा।
कृष्ण देव राय जी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ पर है, बताइए। निम्नलिखित शहरों में से प्रसिद्ध एक दरवाजा रूमी दरवाजा कहाँ पर है, तो रूमी दरवाजा जो है लखनऊ में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था, राइट आंसर क्या है बताइए। फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, फिरदौस मंजिल शाह आलम द्वितीय को कहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है मेहरुन्निसा किस नाम से प्रसिद्ध थी, क्या उत्तर है बतलाइए। मेहरुन्निसा किस नाम से प्रसिद्ध थी, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर है मेहरुन्निसा नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध थी, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, नूरजहां प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो भगत पीपा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है शराब गुटका भगत पीपा की रहस्यवादी लिपि है। कबीर किसके शिष्य थे, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बतलाइए। कबीर जो है किसके शिष्य थे, राइट आंसर क्या है, तो रामानंद जी के शिष्य थे कबीर जी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबरनामा किस भाषा में लिखा हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान जो है राइट आंसर हो जाएगा खोखर के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था, राइट आंसर क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो महमूद गजनवी के साथ में भारत जो है राइट आंसर अल बरूनी आया था, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था, राइट आंसर क्या है बतलाइए। औरंगजेब कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो वीणा बजाने में निपुण था, राइट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का सिक्का जारी हुआ था जो, वो किसका बना हुआ था, तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने 175 ग्राम का जो सिक्का जारी किया था ये चांदी का सिक्का था, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर किस राजाओं ने बनवाए थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर जो है होयसल राजवंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए मंदिर थे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है तो किस राज्य में मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर स्थित हैं, राइट आंसर, तो मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है, राइट आंसर, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश, प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए 1576 का वर्ष प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच में हुआ। आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है, तो मोती मस्जिद जो है सेंट कैथेड्रल की तरह है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर, क्या इसको रहा जरूर बताइएगा और 1 बजे जरूर आ जाइएगा क्लास में, करेक्ट 1 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।